सच में जॉब करेंगे तो मेरे पास ढेर सारे जॉब हैं, और मैं जो भी मेरे से जो कांटेक्ट में आता है, जो टच में आता है, उसको मैं 100% जॉब लगवाने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते वो मेरे दिए हुए टाइम पर, दिए हुए दिन में वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी कल सहारनपुर एक जॉब फेयर में, वहाँ पर एक ITI कॉलेज है उसके अंदर एक जॉब फेयर है, यानी कि जिसको बोलते हैं रोजगार मेला। तो वहाँ के भी कोई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ अपना रिज्यूम लेकर के पहुँचें, और जैसे भी आपके लायक कोई जॉब होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो जॉब दिलवाऊंगा। फिलहाल जो बच्चे जॉब वहाँ पर नहीं आ सकते, या और कोई पूरे देश में कहीं के भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे पास अभी 60 वैकेंसी आई है। एक जॉब रोल है जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव का और कस्टमर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ये जो आपका जॉब रोल, जो आपकी जॉब का जो प्लेस है वो रहेगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो कि नोएडा हो गया या गुरुग्राम हो गया या दिल्ली, ये तीनों ही तकरीबन मिल चुके हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं, ये तीनों शहरी एक जगह हो गए हैं इकट्ठे ये, ठीक है। अभी बात करते हैं वर्किंग डेज की, तो यानी कि आपको एक हफ्ते में 6 दिन ही काम करना है, ठीक है। रोस्टर टाइप, और जो टाइमिंग रहेगा, जो रहेगा ड्यूटी का, वो रहेगा दोस्तों आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, जिसमें बीच में 1 घंटे का आपका खाने का भी ब्रेक होगा। अब बात करें सैलरी की, तो जो लोग फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, अनजान हैं, उनके लिए सैलरी रहेगी 11,500, यानी उनके खाते में आएगी कट पिट करके। और जो थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके 12,500 खाते में आएगी, ठीक है। और ये भी जो एक्सपीरियंस है, वो भी किस टाइप के उसके पास एक्सपीरियंस है, जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पे फिर आपकी सैलरी रहेगी। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनकी सैलरी 12,500 से लेकर के 13,500 तक के बीच में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वहीं एजुकेशन की, तो दोस्तों इसमें 10th पास नहीं चाहिए हमारे को, इसमें चाहिए 12th पास, ग्रेजुएट, या फिर जो 12th करके जो परस्यूंग है, यानी कि जो ग्रेजुएट जो कोर्स है वो कर रहा है, या कोई डिप्लोमा होल्डर भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात उसकी। उसके बाद अपने बात करेंगे कि किस सेक्टर में अपने काम करना, जैसे कि तो दोस्तों नॉन फाइनेंशियल सर्विस जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उन चीज़ में आपने ये ड्यूटी करनी है। उसमें क्या काम होते हैं, जैसे कि रिकवरी होता है किसी जो पेमेंट का, या उसके बारे में अपना जो जो फ्लो होता है उसका, कि उसके जो फाइल अपडेट करते हैं, रिकवरी का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें है। रिकवरी वर्क हो गया, फ्लो इंक्लूडिंग और लिटिगेशन। तो बाकी अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें अगर गहराई से बताऊंगा, तो एक तो हमारे पास जॉब रोल हो गया ये, दूसरी वैकेंसी मेरे को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ 5-6 वैकेंसीज हैं मेरे पास, जो बंदे बिलासपुर के हैं, हिमाचल के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसमें मेरे को एक मैसन चाहिए, उसके बाद 2 लेबर बोलते हैं उनको, हेल्पर बोलिए या लेबर बोलिए, लेबर, और उसके बाद जो बंदे जैसे नहीं वो सेंड अपना लेंटर डालते हैं, लेंटर का जो काम करते हैं, लेंटर में 2 बंदे उसके लिए चाहिए, और 2 होते हैं जैसे जो लेंटर का सरिया का काम करता है, लेंटर के अंदर एक होता है जो फट्टे वगैरह ठुकाई करते हैं, जिसको कारपेंटरी बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क कारपेंटरी, उसके लिए भी मेरे को 2 बंदे चाहिए। तो अगर वहाँ का कोई बंदा है तो वो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे। अब तीसरा बात करते हैं ओवरसीज यानी एब्रॉड के लिए, यानी विदेश के लिए, जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, बहुत कम पैसे में जाना चाहते हैं और लीगली जाना चाहते हैं, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट बनवा करके, उनके साथ में कोई भी धोखाधड़ी या कुछ नहीं होने वाला है, वो एक कंपनी के थ्रू जाएंगे, और जिस कंपनी का, मैं यानी कि हमारी कंपनी की बात करूँ तो इन्होंने सरकार से विदेश भेजने का लाइसेंस ले रखा है। तो विदेश अभी हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो इजराइल के अंदर हैं। आपको साथ साथ में ये भी बता दूँ कि अभी इजराइल और उसके साथ में अपनी लड़ाई चल रही है अभी, तो वहाँ आप पता ही आपको काफ़ी जो बिल्डिंग है जो गाजा पट्टी के आसपास है, यहाँ पर सारी वो तहस नहस हो चुकी हैं, तो उसी के लिए उन बिल्डिंगों को दोबारा रेनोवेट करने के लिए वहाँ पर काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन वहाँ पेमेंट बहुत अच्छा है, 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 पर मंथ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बता दूँ मैं आपको इसमें कौन कौन सी हमारे को वहाँ क्या क्या चाहिएगा इसराइल में। सबसे पहले फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर, यानी कि मैं अगर सच हिंदी में बोलूँ, देसी भाषा में बोलूँ, तो यानी जब लेंटर डलता है, जब मकान की जब दीवारें पूरी चुन जाती हैं, जब ऊपर लेंटर डलता है, तो जो फट्टे पहले लगाते हैं उनमें कील ठोकते हैं, उसके ऊपर फिर बाद मसाला डलता है, तो उसको सेंटर अपना ये कारपेंटर बोलते हैं, फ्रेमवर्क शटरिंग, एक तो वो वाला बंदा चाहिए। एक आयरन बेंडिंग, यानी जो जो सरिया होते हैं 8 mm के, 10 mm के, 16 mm के, उनको जो जैसे जिस टाइप से वो लेंटर डलता है उसके मुताबिक उनको टेढ़े मेढ़े करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो उस टाइप का एक बंदा चाहिए। एक नहीं मतलब वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन ये चाहिए मेरे कहने मतलब ये, ठीक है। एक हमारे को चाहिए सेरामिक टाइल्स और मैसन टाइलिंग का, यानी कि जो टाइल्स वगैरह का काम करना जानता हो मैसन, वो एक होता है अपना ब्लॉक प्लास्टर मैसन, यानी कि जो इसको जो जैसे दीवार हैं पे जो प्लास्टर करते हैं, ठीक है, टीप बोल देते हैं, बहुत जगह प्लास्टर बोलते हैं, वो करने वाला भी चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट है और वैकेंसी कम से कम 1,000 हैं, 1,000 वैकेंसीज हैं विदेश जाने के लिए।
और जो इसका खर्चा आएगा वो दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपए पड़ेगा एक बंदे पर, यानी आपका यहाँ से अपना पूरा इजराइल पहुँचने तक का खर्चा मात्र 1 लाख रुपए लगने वाला है। अब इसमें चाहिए क्या क्या, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है दोस्तों। इसके लिए एक तो आपको 10th पास होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम जिस वर्क के लिए आप जाओगे, मान लो प्लास्टर के लिए जा रहे हो, तो कम से कम आपको 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस यानी वो काम आपको बखूबी आना चाहिए, और आपका आजकल काफ़ी ढेर सारी कंपनी है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बना करके दे देती हैं। उसके बाद आप, और जो एज लिमिट है वो दोस्तों कम से कम 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और जब सबसे बड़ा एक चीज़ और चाहिए इसमें, वीज़ा प्रोसेसिंग तभी शुरू होगा इसके अंदर जब आपके वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन होगी। आपको पता है आजकल पुलिस वेरिफिकेशन आजकल ऑनलाइन ही बन जाती है हर स्टेट के अंदर, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होगी तो उसके बाद ही वीज़ा का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और बता दूँ, वहाँ पर जो रहना होगा आपका, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, सिर्फ आपका खाना होगा, यानी खाना आपने बनाना है, रहने की जगह आपको मिल जाएगी। और जब आप काम पर जाओगे या काम से अपने वहाँ पर जो लोकेशन पर रहोगे वहाँ होगे, तो वहाँ के लिए भी आपको गाड़ी मिलेगी। उसके बाद आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी कंपनी ही प्रोवाइड कराएगी। अब काम कितना करना है आपने, तो वहाँ पर आपने पर डे 9 घंटे काम करना है 26 दिन, यानी कि महीने में आपकी 4 छुट्टियाँ होंगी, हर रोज़ आपको 9 घंटे काम करना है। जैसे कि इंडिया में भी 8-9 घंटे ही काम करते हैं जो ये वर्कर होते हैं कंस्ट्रक्शन के खास करके। तो दोस्तों ये थी विदेश की जानकारी, जिस भाई ने अच्छे पैसे कमाने हैं बाहर जा करके, तो वो यहाँ पर भी जाके जाने के लिए मेरे से पूछ सकता है। और रही बात, अभी क्या करते हैं आप, यहीं की यहीं कमेंट कर देते हैं, जब वीडियो में बनाता हूँ तो आप वहीं पर वीडियो जो बोले सर हाँ मुझे ज़रूरत है मैं जाना चाहता हूँ, फिर आप इतना समझते हैं कि मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो गया। अरे भैया, आप मेरा जो इंस्टाग्राम का या टेलीग्राम का इसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके मुझे रिज्यूम भेजें, सारी बातें अपनी बताएं कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है तो क्या प्रोसेस है, तब फिर मैं उसको आगे की सारी चीज़ें बताऊँगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब पर कमेंट करके छोड़ दिया, वैसे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये थी सारी ढेर सारी जॉब की जानकारी। तो जो भाई अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर भी करें, कि आए दिन मैं इस चैनल पर कोई ना कोई जॉब की जानकारी देते रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों अपने शब्दों को विराम देता हूँ, लेता हूँ आपसे इजाज़त, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई जॉब की जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।